साल 2019 में लोकसभा चुनाव के समय एक पोलिंग बूथ पर पीली साड़ी वाली महिला अफसर की फोटो खूब वायरल हुई थी, लेकिन इस बार इन मैडम का गेटअप काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं रीना द्विवेदी की। इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में महिला अफसर रीना द्विवेदी का गेटअप एकदम बदला हुआ नजर आ रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले मंगलवार को पीली साड़ी वाली महिला अफसर रीना द्विवेदी वेस्टर्न ड्रेस में नजर आई। उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली रीना की ड्यूटी इस बार लखनऊ के मोहनलालगंज विधानसभा के गोसाईगंज बूथ पर लगी है। मंगलवार को ईवीएम मशीन लेकर चुनावी ड्यूटी में रीना द्विवेदी ब्लैक स्लीवलेस टॉप और ऑफ व्हाइट ट्राउजर में पोलिंग पार्टी के साथ अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गई। रीना द्विवेदी लखनऊ में लोक निर्माण विभाग में क्लर्क के पद पर तैनात हैं। पोलिंग पर आम लोग रीना के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। वेस्टर्न ड्रेस और सनग्लास में ईवीएम हाथ में लेकर कार्यस्थल जाने के दौरान रीना द्विवेदी ने कहा कि मैं पिछली बार पीली साड़ी पहने हुए नजर आई थी, इस बार थोड़ा चेंज किया है। समय के मुताबिक ड्रेस में बदलाव होना ही चाहिए। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की। इसका क्या आपका वो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो के बारे में। मुझे वोटिंग कराना भी अच्छा लगता है, करना भी अच्छा लगता है। क्या मैं सबसे अपील भी करती हूँ, प्लीज वोटिंग जरूर करें जी। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पर जो आपकी तस्वीर वायरल हुई थी, अन्य मीडियाओं ने भी आपको वायरल किया था, क्या आपको फीलिंग हुई उसके बाद? आपके जीवन में कैसी दिनचर्या में कैसी फीलिंग बदला हुआ? अच्छा लगता है, फेम मिला, मैं उससे बहुत पॉजिटिव मिलती हूँ। इस बार आपकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई है? मोहनलालगंज। साल 2019 में रीना द्विवेदी ने तस्वीरें वायरल होने पर कहा था कि जब हम अपनी टीम के साथ ईवीएम के साथ लौट रहे थे, तभी किसी पत्रकार ने हमारी तस्वीरें ले ली, जो काफी वायरल हो गईं। रीना ने बताया कि लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।